पहली चीज है, आपके पास 90 दिन है, मैं तो मानता हूँ कि 90 दिन मान के चलिए, 100 डे मत मान के चलिए, केवल आप 90 दिन मान के चलिए कि मेरे पास 90 दिन है और मुझे 90 दिन में रिट को क्लियर करना है। रिट किन बच्चों को करना चाहिए, पहले सवाल का जवाब, जिस बच्चे की आज तक रिट नहीं हुई है उसको पूरा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है तो चाहे तुम ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का सपना देख रहे हो, लोग कहते हैं यार तेरी रिट तो नहीं हुई, कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों से। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं सीरियसली, यदि तुम अभी तक तुम्हारा रिट क्लियर नहीं है 2022 वाला, तो आपको रिट को बहुत अच्छे से देना चाहिए, नुकसान कुछ नहीं होगा। मान के चलेंगे अपन दिसंबर तक ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के विज्ञापन आ जाएंगे, डीपीसी की प्रक्रिया पूरी होती है, रिट का कहीं लगी नहीं रहा था, अचानक से उन्होंने दे दी, ऐसे ही आती हैं चीजें। फिर उसके बाद हमें परेशानी होती है कि सर अब क्या करें, कैसे करें, कोचिंग करेंगे, सेल्फ स्टडी करें, बहुत सारे सवाल होते हैं, इनमें उलझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि थोड़ा सा प्लानिंग के साथ बढ़ रहे हो ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे विज्ञापन कभी भी आ जाए और एग्जाम कभी भी हो जाए। आपकी स्थिति ये होनी चाहिए कि मैं एक बार रिवीजन कर चुका हूं सर और दूसरी बार रिवीजन कर लूं, चाहे 3 महीने बाद एग्जाम हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, डरना नहीं, पैनिक नहीं होना। रिट यदि अभी तक आपने नहीं दी है तो ये 90 दिन आपके अस्तित्व की लड़ाई मान के और इसमें पूरा अपने आप को झोंकिए। नुकसान ही होगा कि मान लो इन फ्यूचर आप ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट भी दे रहे हो, नुकसान ही होगा, तो उसमें आपका साइकोलॉजी तैयार हो गया, राजस्थान बोर्ड की किताबें तैयार होगी, टीचिंग मेथड तैयार हो गए, ये आपके आने वाली सेकंड ग्रेड ग्रेड फर्स्ट में भी आपकी मदद करेंगे, तो नुकसान कुछ नहीं है। तो मेरे अनुसार जिनका रिट नहीं हुआ है उस हर बच्चे को इसको गंभीरता के साथ देना चाहिए। कई बच्चे जिन्होंने रिट 2022 का एग्जाम कर लिया था, उन बच्चों का सवाल है कि हम सर 2022 वाले दें कि नहीं दें। देखो दो चीजें हैं, 2000 आपका ग्रेड थर्ड बनने का, टीचर बनने का कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप केवल ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट पे फोकस कर सकते हो, लेकिन 22 की रिट आपकी क्लियर है, नंबर आपके कम है, मेरे अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए, क्योंकि 3 साल वैधता है इसकी, तो 25 में जाके वैधता खत्म हो जाएगी, मान लो 26 में कोई और भर्ती आ जाती है और आपका क्या पता नहीं हो कहीं भी, तो आदमी के पास ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरी आपको राय है कि आप एग्जाम आपको जरूर देनी चाहिए, चाहे आप अपना पूरा टारगेट ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड पे रख सकते हैं, विचलित मत होना, यदि वो टारगेट है तो उससे विचलित मत होना। रिट जिनका पहले हुआ उनका दोबारा भी हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम क्रिएट करना है, अनावश्यक पैनिक हो जाओगे सर वो कर लें, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास ये कर लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी तुम रिट आराम से 2 महीने की तैयारी से निकाल सकते हो, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझते हुए, थोड़ा सा व्यवस्थित करते हुए करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, और ऐसे परेशान होकर करोगे तो चीजें बड़ी पैनिकफुल हो जाएंगी। तो रिट एग्जाम हर बच्चे को देना चाहिए मेरी राय है। लेवल फर्स्ट का चूंकि 2022 में रिपीट नहीं हुआ था, तो लेवल फर्स्ट वालों को सभी को इस रिट को बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि सर हम लास्ट ईयर, जैसे मान लीजिए हम बीएड लास्ट ईयर या बीएससी लास्ट ईयर में है, तो फाइनल ईयर में हम अध्ययनरत हैं, हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर होगी, बीएड सेकंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर होगी, तो क्या हम रिट में एलिजिबल हो जाएंगे? रिट के विज्ञापन में हमेशा लिखा आता है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत बच्चे रिट पात्रता दे सकते हैं, सीटेट पात्रता दे सकते हैं और वो एलिजिबल भी हो जाएंगे, तो इस बात का तनाव नहीं लेना है। इससे पीछे वाली रिट भी यदि आपने अध्ययनरत के टाइम फाइनल ईयर के टाइम दिए तो वो भी सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, इसको लेकर तनाव मत लेना, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसको सीरियसली देना, यदि पिछली बार दिया तो दोबारा दे लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है स्कोर ज्यादा अच्छा हो जाए। कॉन्फिडेंस का गेम है, साइकोलॉजी का बड़ा रोल है, टीचिंग मेथड का बड़ा रोल है, आपके सब्जेक्ट की राजस्थान बोर्ड की किताबों का बड़ा रोल है, तो इन चीजों को तो वैसे भी आपको पढ़ना है, मनोविज्ञान तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड हर जगह आपको पढ़ना है, तो फिर क्यों तनाव ले रहे हो? चीजें बड़ी आसान, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है रिट में, ठीक है, 150% आपको नई चीज इस बार जोड़ रहे हैं कि 5 ऑप्शन जोड़ रहे हैं, तो 5 ऑप्शन जोड़ने से तनाव किस बात का है? आपको हर पर्सन करके आना है, पर्सन छोड़ना ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो 150 के 150 करके आना है, तो जिनमें नहीं समझ में आ रहा मैं तो कहता हूँ 5 विकल्प जाना नहीं, आप तो 4 विकल्प में से करके आना ना, तो 5 विकल्प की आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, रिट वही है, वो संस्था वही है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब आपको मैंने पहले भी बोला है जो संस्था एग्जाम आयोजित कर रही है उसका पैटर्न पता होना चाहिए, आरपीएससी का पैटर्न अलग है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड का, ठीक है, अधीन सेवा चयन बोर्ड का पैटर्न बहुत डिफरेंट है, ग्रेड थर्ड का एग्जाम की प्रिपरेशन बताऊंगा तो आपको अलग बताऊंगा, क्योंकि अधीन सेवा चयन बोर्ड है उसका लेवल ही अलग आता है, उनका सिस्टम ही डिफरेंट है एकदम से, तो समझ में आज तक किसी को आया नहीं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या सिस्टम है, वो राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेस बना के पेपर बनाता है, ठीक है, साइकोलॉजी जहां थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस पर अप्लाइड बेस आती है, अच्छे प्रश्न आते हैं, मनोविज्ञान अच्छे लेवल का आता है, ठीक है, टीचिंग मेथड भी अच्छे लेवल के आते हैं, तो ज्यादा परेशान मत होना, आपको जिस स्ट्रक्चर जिस संस्था आयोजित कर रही है उसका थोड़ा सा आपको देखना है, तो मेरे अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग में इमेज बना के चले कि मुझे रिट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित कर रहा है, इसके पिछले साल के पेपर देखिए, सिलेबस ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध है, एज इट इज वही सिलेबस रहेगा, कोई छोटा मोटा बदलाव हो तो हो जाए, बाकी मुझे लगता नहीं सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, 5 ऑप्शन इस बार जुड़ेंगे, 4 ऑप्शन आते हैं वहां 5 ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है। केवल इन्होंने एक बात और बोली है कि न्यूनतम जो अंक है, जैसे फिलहाल रिट में जो न्यूनतम अंक है वो कितने 60% है जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी के लिए कितने 55% है, तो ये इसने अभी के लिए नहीं क्या कहा है, हो सकता है ये कुछ छूट और दे दे 5% की, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कृष्ण कुणाल शासन सचिव सर ने कहा है, अब इसके लेकर और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि इसमें कितनी छूट दी जा सकती है, एज इट इज इसको रखा जाता है, तो ये चीजें तो भविष्य के घेरे में, इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आप तो ये लेके चलो कि मुझे इस एग्जाम में 80% नंबर लेके आना है, 80% मुझे रेट में लेके आना है, क्योंकि 80% के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो 70% कम से कम आएंगे, आप 90% लेके चलोगे तो 70-80% आएंगे, तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चलिए, नुकसान कुछ नहीं होने वाला, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, साइकोलॉजी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ आपकी सीटेट का एग्जाम फॉर्म भी भर देना, सीटेट भी आपके साथ हो जाएगी, दो चीजें एक साथ हो रही है, क्योंकि डी ट्रिपल एस भी, केवीएस में भी, एनवीएस में भी भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है, तो
एक साथ दो चीजें हो रही हैं, तो ये मेरे अकॉर्डिंग कर लो आप। ये तो था नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती, इनमें थोड़ा बहुत बदलाव ले सकते हैं, पांच ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अंतिम ईयर वाले बच्चे रिट आराम से दे सकते हैं आप, बस चक्री हो सकता है। आपको याद रखना है कि जब ग्रेड थर्ड का विज्ञापन आएगा कि जनवरी में प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद दूसरा विज्ञापन अधीन सेवा चयन बोर्ड निकालेगा ग्रेड थर्ड का, तो उसमें क्या होगा कि उसमें नेम लिखा होता है विज्ञप्ति के अंतर्गत कि आप एग्जाम से पहले आपके पास पूरी योग्यता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बीएससी सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में होंगे तभी आप रिट दे पाएंगे, अपीयर होंगे, याद रखना। उसके बाद आपके पास थर्ड ग्रेड के एग्जाम होने से पहले उस एग्जाम के दो दिन पहले तक आपके पास पूरी शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, तब जाके तुम थर्ड ग्रेड में एलिजिबल होगे। बाकी रिट में आपके एग्जाम नहीं हो तो भी आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका वैलिड रहेगा, तो इसको लेकर आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये शायद 2022 वाले लाइफ टाइम वैलिड कर दिया था सर, ये मुझे कंफर्म नहीं है, यदि ये है तो बहुत अच्छी न्यूज है। यदि 2022 वाली रेट आपकी लाइफ टाइम वैलिड है और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं उसमें, तो फिर आपको इस रेट के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रेड थर्ड की कर रहे हो तो ग्रेड थर्ड के मेंस को लेकर करो, ग्रेड फर्स्ट कर रहे हो तो ग्रेड फर्स्ट को लेकर करो, ग्रेड सेकंड लेकर करो ग्रेड सेकंड। यदि ये न्यूज ऑथेंटिक है, मैंने पढ़ा था बट मैं इसको लेकर कंफर्म नहीं होगी और मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा, मैं भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा। यदि 2022 वाले में स्कोर अच्छा है और लाइफ टाइम वैलिड है ये, तो फिर आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं ये हर बार अपना पैटर्न लागू करती हैं। पिछली बीजेपी सरकार में रिट के आधार पर पोस्टिंग दी, फिर इन्होंने ग्रेड थर्ड एग्जाम का आयोजन किया इस बार, तो ये हर बार बदलता रहता है। अब इनका पता नहीं, मान लो भजनलाल सरकार को सुझ जाए कि हम ग्रेड थर्ड का एग्जाम करवाएं, उसमें रेट के नंबरों का वेटेज बढ़ा दें, तो कर सकते हैं, पिछली बार भी किया था बीजेपी सरकार ने, तो ये मान लो कोई वेटेज दे देंगे 20% रेट के नंबरों को जोड़ा जाएगा, तो वहां आपका स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कोशिश ये करें कि आपका स्कोर कार्ड 2022 वाले रेट में कमजोर रहा है तो इसको सीरियसली लें, स्कोर कार्ड बढ़ाएं। सरकारों का पता नहीं होता कब नियमों में फेरबदल कर दें, कब ये चीजों को बदल दें, कोई भरोसा नहीं है। हमें हमारी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि कैसा भी फेरबदल हो जाए हमें इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो, तो इसके लिए आपको माइंडली तैयार रहना है, ठीक है। तो ये इसकी तो बेसिक चीजें होगी जो मैंने जानकारी दी है, बाद में बाकी मैं सवालों की बात करूंगा। अब आपके दिमाग में आता है कि सर 90 दिन है, मैं 90 दिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि 90 डेज ही मान के चलिए आप, आपके पास क्यों 90 डेज है जिसमें दीपावली के 5-7 दिन आप खराब कर सकते हो। यदि मैं राय नहीं देता कि दीपावली मनानी चाहिए और हर चीज को जीना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका करियर जब और आपके अस्तित्व की लड़ाई जब चल रही हो ना, तो एक साल में तो ईमानदारी से कहता हूं कि आप एक साल इन भर्तियों को दो, 2025 तक ये तीनों भर्तियां किसी न किसी रूप में संपन्न हो जाएंगी। आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह पाओ कि सर मैं ढंग से नहीं कर पाया, मैं अच्छे से नहीं कर पाया, यदि मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ये सवाल आदमी को एकदम से प्रेस्टेशन में ले जाता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं, एक साल दिल से मेहनत कीजिए, व्यवस्थित तरीके से मेहनत कीजिए, जिस एग्जाम को लेकर चल रहे हैं उसके पूरे सिलेबस को सामने रखकर, उसके पीवाईक्यू को रखकर, कौन सी संस्था उस एग्जाम को आयोजित करवा रही है उसका पूरा स्वरूप आपको पता होना चाहिए, और एक अच्छा सा ग्रुप बनाकर एक साल डेडिकेटेड होकर दीजिए। जैसे रतन टाटा ने अपना पूरा जीवन टाटा परिवार को बढ़ाने में दे दिया, वो फैसले जो ले लेते थे उनको सही साबित करने में सब कुछ लगा देते थे। तो जीवन हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि जो डिसीजन ले लिया उसको हमें बेहतर साबित करना है। तो मैं ये कहूंगा कि जिस राह पे तुम चल रहे हो उसको आपको सही साबित करना है, और एक साल का टाइम आपको पूरा देना है। अब सुनिएगा, पहली बात मैं 10-5 मिनट बात करूंगा, इतनी मैंने रेट पे इससे पहले भी वीडियो बनाया था, दोबारा मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। मान लीजिए आप पहली बार रेट एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट बार आप दे रहे हैं, और इससे पहले आपने रेट एग्जाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं है ना, पहली बार आप दे रहे हैं, फर्स्ट बार आप दे रहे हैं, सेकंड बार दे रहे हैं, आपको ये करना है कि सर मुझे तो रेट इस बार अच्छे नंबर से क्रैक करनी है, क्या करना है। सिंपल पैटर्न है, लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड का, बहुत सिंपल पैटर्न है, कुछ नहीं है, कुछ चीजें पकड़नी है आपको, उनके आधार पर आपका रेट बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाल विकास सीडीपी सबसे पहले आती है, दोनों में सीडीपी आती है, और सीडीपी अच्छे लेवल की आती है, यानी रेट में साइकोलॉजी का, सीटेट में साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट डिफरेंट करता है। यहाँ अच्छा लेवल आता है, अप्लाइड लेवल आता है, क्रिमिनोलॉजी ज्यादा आती है, तो थोड़ा सा आपको डीपली साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है, और चूंकि केवल साइकोलॉजी नहीं होती, इसमें पेडागोजी भी होती है, तो थोड़ा सा सिस्टम क्रिएट करना, इसमें मेहनत करना, इसमें की गई मेहनत आपकी सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट या आगे डी ट्रिपल एस पी कोई भी एग्जाम दोगे ना उसमें काम आ जाएगी, ठीक है। तो सीडीपी पहला पार्ट है, फिर आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी भाषा जो है एक फर्स्ट है और एक दूसरी सेकंड है। आप कोई भी चुनते हो, मान लो आपने हिंदी चुन ली, इंग्लिश चुन ली, एक यहाँ पे याद रखना, भाषा वो चुनना जिससे आप टीचर बनना चाहते हो। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सर हम इंग्लिश से टीचर बनना चाहते थे लेकिन रेट में हमने इंग्लिश को लिया ही नहीं, इससे वजह से बहुत से बच्चे थर्ड ग्रेड में बाहर हो जाते हैं। आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो आपको फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को रखना है, आपको हिंदी का टीचर बनना तो आपको फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज में हिंदी को रखना है, बाकी सब्जेक्ट जो होता है एसएसटी साइंस वो तो आपका ऑलरेडी होता ही होता है, लेकिन भाषा का टीचर बनना है तो आपके रेट में वो भाषा आपको जरूर रखनी है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हिंदी इंग्लिश होगी, यहाँ भी आपकी एक लैंग्वेज भाषा आपकी फर्स्ट है, ठीक है, और दूसरी भाषा आपको जो भी चुननी है वो सेकंड भाषा आपको चुननी है। फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट मान लो एसएसटी हो सकता है, आपका साइंस मैथ हो सकता है, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा वो लेवल फर्स्ट में मैथ और ईवीएस हो जाएगा, एनवायरमेंट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल पैटर्न है, सुनिएगा, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, मैं दोबारा से संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सीडीपी पढ़नी है सर, कहाँ से कैसे पढ़े, मैं तो ये राय दूंगा कि मेरी किताब पढ़ो, क्योंकि उससे प्रश्न बाहर आता नहीं है। फिर कई बच्चे कहेंगे सर किताब
अब हार्ड, हार्ड को देखो साइकोलॉजी खुद ही हार्ड आती है, समझोगे इमेजिनेशन करोगे तो बड़ी आसान हो जाएगी, पीवाईक्यू हल करोगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड साइकोलॉजी आती है तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो सीडीपी में आपको चाहिए तो मेरी वाली किताब पढ़ सकते हो जो नई वाली आई है रिट की स्पेशली, ठीक है, वो देख लेना टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लेना, 5 यूनिट पेडागोजी की है, या आपको कोई और किताब अच्छी लगती है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आप साइकोलॉजी का कोर्स लेना चाहो तो अपनी एजुकेशन ऐप पे मैंने पूरा अलग से रिट का डाल रखा है, क्लासरूम का भी डाल रखा है, या आप सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लीजिए, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, याद रखना इसको। लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी पहली लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी लो, हिंदी में बेस्ट किताब होती है नवीन हिंदी व्याकरण जो राजस्थान बोर्ड की किताबों में चलती है 9 से 12 तक, उसी से पूरा पेपर आ जाता है। इसके अलावा यदि आप व्याकरण को अच्छी लेवल की किताब पढ़ो तो मैया सरिया राघव प्रकाश वो भी देख सकते हैं, बट ये किताब बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, 2 डायमेने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। टीचिंग मेथड इसमें आएंगे तो लगभग टीचिंग मेथड के 10 से 15 प्रश्न आते हैं, तो टीचिंग मेथड आपको अपने सब्जेक्ट में आगे भी काम आएंगे। टीचिंग मेथड की किताब हिंदी की हम भी निकाल रहे हैं, या मार्केट में कोई अच्छी किताब मिले तो आप निकाल लेना, पीवाई की जरूर निकालना मेथड के, सिंपल टॉपिक होते हैं मूल्यांकन, सीसी, हिंदी की शिक्षण विधियां, ठीक है आपका।